हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल MI टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम लोग कैपिलरी ट्यूब के बारे में जानेंगे। कैपिलरी ट्यूब कितने प्रकार की होती है, कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब की लंबाई क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब का व्यास क्या होता है, और AC, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर में किस में कौन सी कैपिलरी ट्यूब प्रयोग किया जाता है। और सबसे पहले बता दें आपको कैपिलरी ट्यूब होता क्या है कि कैपिलरी ट्यूब एक पतली सी पाइप होती है। कैपिलरी ट्यूब एक पाइप होती है और दिखा देते हैं, ये हमारी फ्रिज है और इसमें कैपिलरी ट्यूब दिखाते हैं। फिल्टर के बाद लगने वाला भाग कैपिलरी ट्यूब होता है। देखिए, एक पतली सी पाइप है जो कि ये फिल्टर के बाद लगा, और ये धीरे धीरे अंदर से चली जाती है, एवापरेटर तक ये कैपिलरी ट्यूब गई होगी। इसका व्यास बहुत कम होता है, जितना हमारे पेन के सिक्के की मोटाई होती है ना, उतना ही मोटा होता है कैपिलरी ट्यूब। तो ये देखिए, जैसे हमारी कैपिलरी ट्यूब है, देखिए फ्रिज से निकाला हुआ एवापरेटर और ये कैपिलरी ट्यूब की पाइप एवापरेटर तक जाती है। तो कैपिलरी ट्यूब एक पतली सी पाइप, यहाँ पे देख सकते हैं, जितना मोटा एकदम पेन का सिक्का होता है हमारा, उतना ही मोटा इसके अंदर व्यास होता है, इसके अंदर गैस का संचार होता है, इसमें पॉइंट जो है बना होता है, यानी इसमें गैस का संचार होता है। जितना मोटा हमारा पेन का सिक्का होता है ना, उतना ही मोटा होता है ये हमारी कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब का व्यास बहुत कम होता है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है। यानी देखिए, सिस्टम के डिजाइन के अनुसार इतनी पाइप यहाँ पे गई हुई है और यहाँ पे इतना पाइप जो है कि वो देखिए लपेट करके रखा हुआ है, लपेटा हुआ गया है यहाँ पे, ज़्यादा पाइप को कम जगह में एडजस्ट करने के लिए। तो ये जहाँ पे भी लगता है ना, इसकी दूरी जो है, लंबाई जो है, वो कम होती है। और कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है कि इसका कार्य तो कुछ ऐसे बताते हैं कि ये प्रेशर को कंट्रोल करता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं इसका कार्य कि नहीं, ये रेफ्रिजरेंट की संख्याओं को कम करके और प्रेशर को बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं है, प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। आपको बताते हैं कैसे कंट्रोल करता है। कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना। सबसे पहले बताते हैं, देखिए AC में जो कैपिलरी ट्यूब प्रयोग किया जाता है, AC में जो कैपिलरी ट्यूब प्रयोग किया जाता है उसकी देखिए लंबाई क्या, 30 से 36 इंच। यानी AC में प्रयोग होने वाली कैपिलरी ट्यूब की लंबाई 30 से 36 इंच होती है। ये देखिए हमारी AC है और इसमें दिखा देते हैं आपको कैपिलरी ट्यूब। इसमें जो कैपिलरी ट्यूब, यह कैपिलरी ट्यूब प्रयोग किया गया है, इसकी लंबाई जो है 30 से 36 इंच। यहाँ से कंडेंसर शुरू है और कंडेंसर के बाद इसकी जो कैपिलरी ट्यूब की पाइप गई है, देखिए यहाँ से गई हुई है और यहाँ तक, ये कैपिलरी ट्यूब की पाइप है। और इसमें देखिए कैपिलरी ट्यूब की जो संख्या है वो दो है, यानी दो दो पाइपें एक साथ घूमी हुई हैं। इस प्रकार से कैपिलरी ट्यूब की संख्या जो है वो दो है। तो इसकी जो लंबाई है AC की लंबाई के बराबर लगभग है, इसलिए इसको जो दूरी है एडजस्ट हो गई, इसलिए इसमें लंबाई जो है वो ज़्यादा नहीं है, यानी 30 से 36 इंच के बीच में कंट्रोल हो गई है, कम हो गई। तो इस प्रकार से AC में जो कैपिलरी ट्यूब की लंबाई होती है वो होती है 30 से 36 इंच और उसका जो व्यास है वो है 0.54 mm या 0.60 mm या 0.60 mm। देखिए ये mm में कैपिलरी ट्यूब का व्यास होता है और जो AC है वो टन में आती है, एक टन, आधा टन, डेढ़ टन, दो टन। तो जब टन में AC आती है ना, तो उसी के हिसाब से कैपिलरी ट्यूब प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आधा टन की है तो उसमें 0.54 mm का लगेगा, और उसके बाद अगर एक टन की है तो 0.60 का लग जाएगा, उसके बाद डेढ़ टन में भी 0.60 का लगता है, दो टन में 0.64 का लगता है। इस तरह से AC टन के हिसाब से होती है और उसी के हिसाब से उसमें कैपिलरी ट्यूब का व्यास प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे तीनों व्यास लिखे हुए हैं और इनमें से ही कोई एक व्यास प्रयोग किया जाता है। अगला पार्ट हमारा देखते हैं यहाँ पे फ्रिज। फ्रिज का जो कैपिलरी ट्यूब की लंबाई और व्यास है उसके बारे में बताते हैं। कैपिलरी ट्यूब फ्रिज की जो कैपिलरी ट्यूब, उसका लंबाई है 8 से 12 फीट और उसका जो व्यास है वो है 0.22 mm या 0.23 mm। अब सोचेंगे ना, फ्रिज में जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी लंबाई 8 से 12 फीट है, जबकि पूरी फ्रिज की लंबाई लगभग 4 से 5 फीट या 6 फीट, 5 फीट से ज़्यादा नहीं होती है, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, ऐसे करके कैपिलरी ट्यूब पूरे फ्रिज की लंबाई होती है, जबकि इसमें कैपिलरी ट्यूब की लंबाई ही 12 फीट है। तो कैपिलरी ट्यूब मतलब क्या हुआ कि फ्रिज से बड़ी है, और फ्रिज की लंबाई से बड़ी कैपिलरी ट्यूब होने के कारण जो कैपिलरी ट्यूब लगती है इसमें ना, वो इस तरह से घुमा घुमा के लगाया जाता है। और घुमा घुमा के लगाने का मतलब ये हुआ कि कम दूरी में, कम जगह में ज़्यादा चीज़ को एडजस्ट करना। जैसे कोई छोटा सा कमरा है और उसमें 100 मीटर तार रखना है आपको, तो अगर 100 मीटर तार रखेंगे तो सीधा सीधा तो रख नहीं सकते, तो उसको ऐसे घुमा घुमा के अगर रखेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से कैपिलरी ट्यूब को इसमें मोड़ मोड़ के लगाया जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई से भी ज़्यादा बड़ी कैपिलरी ट्यूब की लंबाई होती है इसलिए। तो अगला पार्ट हमारा देखिए, फ्रिज का कैपिलरी ट्यूब के बारे में हो गया। वाटर कूलर, वाटर कूलर बता दे होता क्या। सबसे पहले वाटर कूलर एक ठंडा करने वाली मशीन है, जिसको आप पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन या सार्वजनिक स्थानों पर अधिकतम देखने लगा होता है, लोग आप घर में भी लगवा रहे हैं, क्योंकि टोटी दबाते हैं तो ठंडा पानी आता है। कुछ लोग वाटर कूलर को समझते हैं कि जो हमारा रूम कूलर जो घर में पानी देता है ना, वही कूलर है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारे टोटी दबाते हैं तो ठंडा पानी जो निकलता है वो होता है हमारा वाटर कूलर। वाटर कूलर में देखिए क्या होता है, वाटर कूलर में जो कैपिलरी ट्यूब लगती है ना, उसकी जो लंबाई है वो 4 से 6 फीट होती है और उसका जो व्यास है वो है 5 ये 0.54 mm 0.54
5.4 mm, यानी कि लंबाई जो है 4 से 6 फीट है और उसका व्यास 0.54 mm है। ये वाटर कूलर में जो प्रयोग किया जाता है, और डीप फ्रीजर में इसी का प्रयोग किया जाता है। डीप फ्रीजर क्या होता है देखेंगे, मिठाई की दुकान वगैरह वाले रखे रहते हैं जिसमें ठंडा होता है, जो ठंडा निकाल के भी देते हैं ना, पेप्सी वगैरह भी उसी में रखते हैं तो वो लाइट से चलता है। तो डीप फ्रीजर होता है उसमें भी पूरे सिस्टम सेम होते हैं, जैसे हमारे एसी फ्रिज होता है ना, ठंडा करने वाली मशीन वो भी है। तो उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 4 से 6 फीट और इसका जो व्यास होता है वो 0.54 mm, 0.60 mm या 0.64 mm, यानी इसकी जो व्यास है वो एसी के व्यास के बराबर है, लेकिन इसकी लंबाई 30 से 36 इंच है और इसकी लंबाई उससे ज़्यादा है, वो है कितना, 4 से 6 फीट। तो इस तरह से हमारी कैपिलरी ट्यूब का कार्य तो सीधा होता है कि रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी गैस के प्रेशर को कंट्रोल करके आगे बढ़ाना। क्यों कंट्रोल करके आगे बढ़ाता है, क्योंकि इसका जो व्यास होता है, इसकी पाइप की जो मोटाई होती है वो बहुत कम होती है, और कम होने के कारण ये पूरे व्यास को, पूरे प्रेशर को कंट्रोल करके आगे भेजता है। क्योंकि जैसे कोई रास्ता हो ना, अगर वो पतला है तो वहां से क्या होगा कि जो भी प्रेशर जाएगा वो कंट्रोल होकर जाएगा, थोड़ा कम होकर के जाएगा। प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य हमारी कैपिलरी ट्यूब करती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।